हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंसब हमारा आज का टॉपिक है मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट मैक्लेफर्टे टे है क्या इट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ए बीटा बोंड फोलोड बाय अ गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर इसमें क्या होता है बीटा बोंड का हमारा क्लीवेज होता है बीटा बोंड कौन सा मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच जैसे हमारा जो है कार्बोनिल का सी वाला है तो उससे जो एडजस्टेंट लगा हुआ है वो अल्फा है उससे नेक्स्ट वाला बीटा और उससे नेक्स्ट से गामा तो ये जनरली मेकलियर फर्ट अरेंजमेंट होता ही वहां पे है जहाँ गामा पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन एटम होता है तो इसमें बीटा बोन्ड जो है हमारा बीटा बोन्ड का क्लीवेज होता है बीटा बोन्ड टूटता है हमारा और गामा गामा पोजिशन से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है द रीअरेंजमेंट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स कीटोन्स एमीन्स अनसेचुएटेड कम्पाउंड सब्सिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा इस रीअरेंजमेंट में जो एलिमिनेशन होता है वो किसका होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का आपका जैसे जो है कहाँ से निकलते हैं वो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड से कीटोन से अमीन से अनसीच्यूटेड कंपाउंड से सबसे एरोमेटिक कंपाउंड से द रीअरेंजमेंट थ्रू अ स्टेरिकली हिंडर्ड सिक्स मेम्बर्ड ट्रांजिशन स्टेट जो रीअरेंजमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है हमारा इसमें एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है जो है स्टेरिकली हिंडर्ड सिक्स मेम्बर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में एक हमारी इसके थ्रू हमारा ये रीअरेंजमेंट होता है अब जैसे कि हम ये किटोन का एग्जाम्पल लें इसमें हमारा ये मेकलेफर्ट रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हमारा ये ये फंक्शनल ग्रुप है इसे ये पोजिशन एल्फा ये बीटा ये गामा तो गामा पे क्या है हमारा एक हाइड्रोजन एटम है और ये बीटा बोन्ड का ब्रेकअप होगा तो ये वाला बोंड हमारा टूट जाएगा और इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो ये हमारी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनी इससे ये बना हमारा मैक्लेफर्टे रीअरेंज्ड आयन मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कंपाउंड्स एविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वेर एक्स एंड वाई कैन बी कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन और फास्फोरस। मैक्लेफर्टे अरेंजमेंट जनरली किन कंपाउंड्स में होता है जिनका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मतलब जिनकी गामा पोजिशन पे हर, जो है हमारा हाइड्रोजन एटम होता है वो गामा पोजीशन कौन सी फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल uh, ग्रुप से जो गामा पोजीशन पे कार्बन है उस पर हमारा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एन एल्डिहाइड और ए कीटोन हैविंग गामा हाइड्रोजन एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एलडीहाइड और कीटोन का जिसके पास गामा हाइड्रोजन हो इट कैन अंडर गो द मेक्लिफर्टे रीअरेंजमेंट एज शोन अभी मैक्लोरिफर्ट अरेंजमेंट कैसे शो करेगा ये हमारा तो ये इसकी एल्फा पोजिशन ये बीटा ये गामा तो यहाँ से ये बीटा हमारा बोन टूट जाएगा और ये गामा हाइड्रोजन का हमारा क्या है ट्रांसफर हो जाएगा तो इससे हमारा क्या बनेगा एक तो इनोल और एक एल्कीन तो एक जो है इनॉल जिसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक बनेगी इसमें एल्कीन ब्यूटेनल गामा हाइड्रोजन एटम ब्यूटेनल के पास भी हमारा गामा हाइड्रोजन एटम होता है द मैक्टे रीअरेंजमेंट फॉर्म्ड इन दिस केस इस शोन बिलो अब इसमें हमारा जो मैक्टरेंजमेंट होता है वो कैसे होगा ये हमारा फिगर में दिखाया गया है और हाइड्रोजन हमारा जो गामा हाइड्रोजन है शिफ्ट हो जाएगा तो एक इथिन का मोलिक्यूल इसमें हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा मैक्लोरफर्टे रियरेंज आयन अब क्या स्ट्रक्चुर रिक्वायरमेंट है मैक्लोफर्टे रियरेंजमेंट के To undergo molecule must possess. ये molecule के पास होना ही चाहिए क्या अनुप्रेटरी लोकेटेड हिटैर एक तो उसके पास हिटेरो आइटम होना चाहिए जैसे हमारा ऑक्सीजन है एक डबल बॉन्ड होना चाहिए एन एब्सट्रेक्टेबल हाइड्रोजन एटम विच इज गामा टू सीओ ग्रुप और एक एब्सट्रेक्टेबल जिसे हम एब्सट्रैक्ट कर सकते हो निकाल सकते हो इस तरह का हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन भी कहाँ जो है सीओ ग्रुप जो है हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है इससे गामा पोजीशन पे होना चाहिए अब जो है कुछ किटोन्स के अंदर डबल मेकलियोफर्टेरि अरेजमेंट भी होता है अब ये क्या होता है मैकलोडी डबल मैकले मैकलेफर्टेरी अरेंजमेंट द सेकेंड हाइड्रोजन एटम ओरिजिनेट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द गामा गापोजिशन जो सेकेंड हाइड्रोजन एटम होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है गामा पोजिशन पे अ सेकेंडरी हाइड्रोजन इज प्रीफर्ड टू ए प्राइमरी हाइड्रोजन एटम अब जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो जो है प्रीफर्ड हो जाता है प्रीफर्ड टू ए प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इन दिस प्रोसेस अब इस प्रोसेस में हमारा मैकेनिज्म कैसे चलता है टोनाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इनोल आयन बाय हाइड्रोजन ट्रांसफर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हो जाएगा किसका इंटरमीडिएट इनोल आयन का इसमें हमारा क्या बनता है तो एल्किन बनती है और एक इनोल आयन बनता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कीटोनाइजेशन होगा इंटरमीडिएट आयन का बाय द हाइड्रोजन ट्रांसफर और सेकेंड स्टेप में क्या होगा ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन टू द इनोलिक ऑक्सीजन ये हमने लिया है मैक्लेरफर्ट अरेंजमेंट फॉर हेप्टीनॉन के अंदर तो ये हमारी कौन सी पोजीशन अल्फ़ा बीटा गामा तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और ये इस गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो ये हमारा मैक्लेफर्टे आयन फर्स्ट बनेगा अब इसका हमारा क्या होगा किटोनाइजेशन होगा और किटोनाइजेशन के बाद हमारा क्या है जो है हाइड्रोजन का क्या होगा इसमें हमारा जो है ट्रा, ट्रा, ट्रांसफ़र होगा तो ये हमारा एल्किन मॉलिक्यूल निकल गया और ये ये फर्स्ट हमारा मैकलरिफर्टेरी अरेंज आयन है और ये सेकंड वाला तो इस पर हमारी दो एम जेड वैल्यू मिलेगी हमारी एक इसके लिए एक इसके लिए तो ये है हमारा डबल मैक्रिफर्टेरी अरेंजमेंट आपका जो है पहले इसमें क्या होगा ये हमारा जो है डिटैच ना होके डिटैच ना होकर क्या होगा क्या हो जाएगा हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा आपका और क्या होगा ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा जो बना किटोनाइजेशन जो है इस इनोल का कीटोनाइजेशन होगा और ये हमारा एल्किन इसके बाहर निकल जाएगा एक हमारा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमें सेकेंड मैक्लेरियफर्टे रिअरेंज आयन हमें मिल जाएगा तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैक्रिफर्टेरेंजमेंट थैंक यू